हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज देखिए, मैं जा रही हूँ बनाने ये दही वाला आलू की सब्जी। तो उसके लिए हमने 2 प्याज ले लिए और 2 टमाटर, उसको बारीक बारीक काट लेंगे। उसको पीसना नहीं है, इसको काट के बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, तो मैं तो काट के बना रही हूँ, काट के अच्छा लगता है। और इधर ले लिए टमाटर, तो टमाटर भी काट लेते हैं क्योंकि उसमें दही डालना है ना आलू में, इसलिए टमाटर कम डालेंगे। तो हमने एक ही टमाटर लिया हुआ है, तो इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं, प्याज टमाटर दोनों को। तो देखिए, आज मैं बनाऊंगी एक अलग तरह से सब्जी। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ आएगा। तो ये हमने एक प्याज और एक आलू काट लिया, सॉरी एक टमाटर और प्याज। और इधर आलू देखिए उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, तो आलू भी उबल गया मेरा। जब तक हम इधर आलू उबल रहा, जब तक इधर लहसुन ले लिए 2-4 कली, थोड़ा सा अदरक, और ये 5-6 मिर्ची है, हरी मिर्च लाल हो गया है, और 1 चम्मच जीरा साबुत, और ये 1-2 चम्मच धनिया साबुत पीस के डालेंगे ना तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और ये थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं इसी में, ताकि सारा एक ही बार पीस जाए और सबका कलर लाल हो जाएगा। तो देखिए, सब इतना हमने पीस लिया, उधर वो काट के रखा है। और अब हम आलू को छील लेते हैं। बहुत ज़्यादा आलू को नहीं गलाना है, लेकिन अभी का आलू ऐसा आ रहा है कि तुरंत गल जाता है, तो इसलिए थोड़ा टाइट ही रहे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा सब्जी। तो देखिए, हम सब आलू को छील लिए, और ये काटा वाला चम्मच के मदद से सब में हम छेद कर देते हैं, क्योंकि साबुत ही रखना है आलू को, आलू को काटना नहीं है। तो छेद कर देंगे तो उससे अंदर नमक और मसाला चला जाएगा। तो काटे के चम्मच से हम चारों तरफ छेद कर लेते हैं। आप लोग भी देखिएगा एक बार, दही वाला आलू बना के बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए, हमने दही लिया है, ताज़ा दही है घर में जमाया हुआ। तो ये 4 चम्मच दही ले लिए, और इसमें जो मसाला पीस के रखे थे वो भी डाल देंगे इसी में। तो देखिए, ये मसाला को भी दही में मिला के अच्छे से फेंट लेंगे। और इसी में ही हम डाल लेंगे हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए और हल्दी पाउडर डाल दिए। और ये है गरम मसाला, देखिए सबको डाल के हम अच्छे से दही में मिला लेते हैं। दही में अच्छे से चम्मच से अच्छे से मसाला मिल गया सब। अब इसमें हम जो आलू रखे हैं इसको डाल के मिला के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए इसको। देखिए, सबको हमने मिला दिया अच्छे से, सारे मसाले दही में आलू को मिला के इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जब तक हम इधर मसाला भून लेते हैं, प्याज और टमाटर। तो देखिए, कढ़ाई गरम हो गया, तेल डाल दिया उसमें। सरसों तेल में बनाएंगे सब्जी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी आएगा। तो
तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे तेजपत्ता और कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जीरा डाल दिए, थोड़ा हींग डाल दिए, सबको डाल के तड़का लगा दिए। और ये जो हमने प्याज और टमाटर रखे थे काट के, इसको डाल के इसको भून लेते हैं। बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और बनाइए सब्जी। बहुत ही टेस्टी लगता खाने में। आलू दम तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये दही वाला आलू एक बार बना के देखिए कितना बेजोड़ लगता है। और इसको आप पूड़ी के साथ खाइए, चाहे रोटी के या चावल के साथ, सबके साथ ही अच्छा लगेगा। तो देखिए प्याज टमाटर भून गया है, तो हमने जिधर रोस्ट करके रख दिए थे ये सब मिला के आलू में सारे मसाले और दही, अब इसको डाल के इसको भी भून लेते हैं। अब जब तक भूनेंगे, जब तक मसाला सब भून ना जाए और आलू भी अच्छी तरह से भुना जाएगा धीरे धीरे। तो कितना अच्छा कलर आएगा देखने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। अगर वो लाल वाला आलू मिल जाए ना तो उसमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कौन सा आलू है, चिप्स होना, तो ये जल्दी गल जाता है। तो देखिए मसाला और आलू भुना गया था, तो हल्का सा हमने पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए। बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनाना है, बस गाढ़ा गाढ़ा ही रहेगा तभी अच्छा लगेगा खाने में। बिल्कुल देखिए लग रहा है रसगुल्ला के जैसे। और देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार हो गया। अब इसमें हरा धनिया डाल दिए काट के, तो ये देखने में और अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर एक बार देख लेंगे ना पूरा वीडियो, तो बिना बनाए रहा नहीं जाएगा, ज़रूर बनाएंगे। तो हम इसी तरह रेसिपी लेके मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।